हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला एंड डिवाइन के कोलैब सॉन्ग पे, जिसका टाइटल है चोरनी। एंड ये ऑफिशियल ऑडियो अभी रिलीज हुआ है इसका, एंड वीडियो भी आएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वीडियो भी इस सॉन्ग का कल आई थिंक रिलीज हो जाएगा। सो आज मैं इसके ऑडियो पे रिएक्शन कर देती हूँ। अगर वीडियो सॉन्ग आती है तो मैं वीडियो पे भी जरूर से रिएक्शन करूंगी। 4 घंटे पहले ये वीडियो आई है एंड ऑलरेडी 1.4 मिलियन व्यूज इस पे जा चुके हैं। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डैड की भाई की पॉपुलैरिटी यार कभी नहीं मरने वाली है। आज का एक सॉन्ग था ना कि भाई मेरा नाम हर पासे हर गांव, सब कुछ मेंशन करेंगे कैसा लगा एंड सारी बातें बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा मेरे कमेंट जानने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड हमें सपोर्ट करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। थापी हमेशा जोर वाले का चिन्ह होती है, जिसे जोर होता वही मारता, तो ऐसे ही मारते रहेंगे जितना जोर जोर आऊंगा। पता नहीं समझ में आया। थापी हमेशा जोर वाले का चिन्ह होती है, जिसे जोर होता वही मारता, तो ऐसे ही मारते रहेंगे जितना जोर जोर आऊंगा। ओके, आई थिंक ये कहने की कोशिश कर रहे दैट की छाती चौड़ी करके जो चलते हैं चोर, समथिंग चोर के रिलेटेड में कुछ ना कुछ तो है भैया। मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है, आपको आती है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर से लिखिएगा क्या बोला उन्होंने। खैर नहीं पौबे दिया सड़कां ते नाट ग्यारा, सब डरते आ अंजाम तो, बस यस ले सुबह हो शाम तो, और तैनू जड़े लगते आ कैट बारे मिठी, और थर कंप दे आ मेरे नाम तो, चढ़ाई है लाई है सिद्ध शब्दां च पिछे तत पाई है, ओ तेरी गली या महले दा भाई नहीं है, पंजाब तो मूसे वाला पाई है, पुठा पैड़ा है माड़ा खैड़ा है, आओ मालवे दा यती जट पैड़ा है, बॉलीवुड दी कमेडी वाला सीन नहीं, गोली मत्थे विच मारे बड़ा पैड़ा है, ओ जेल बेके है ओ बड़े बेखे है, हथ वैरियां दे सिवियां दे सेके है, जे पुछदी तू लोकां दा गुरंगी उठे देख माइंड फोल्डिंग चोले मैंने आज सबसे प्यार, मुझसे कोई नहीं करता प्यार, दुनिया बेमा वैसे से आप बनते दोस्त, जलन से सिर्फ मिलता हार, दुनिया बेमा सलामत रहे दोस्त यार, किसी की नहीं मांगे हार, दुनिया बेमा अमर रहे मेरे दो जो पार, मिलके तुमसे अब करनी बात, दुनिया बचपन से गुस्से वाला लेजेंड मैं हूँ, मुझसे आला कुत्ते जब रोते मतलब कोई किसी का खोने वाला, से मैं तक होने वाला आंसू और दोने वाला, टेबल पर लेबल अब है स्ट्रगल को सायोनारा, कभी ना झुकने वाला आड़ में ना झुकने वाला, जितनी मुश्किल उससे ज्यादा गले में लटकते माला, मूसा निप्सी पाक मूसा निप्सी पाक, और सीखा मैंने इनसे व्हाट इज रियल हिप हॉप, और रियलिस्ट हार्ट के साथ रियलिस्ट बात, हम रियल थे कल और हम रियल है आज, सलाम मेरे भाई, अचाना है तो सबको छोड़ना काम मेरा भाई, तेरा नाम मेरा भाई, तेरा धन तेरा शन, कुछ पल की कमाई, कुछ लेकर ना जाना कुछ साथ में ना लाए, वो पैसा ही क्या है जिसको साथ में ना खाए, आवाज में है दम ये है बॉम्बे लिखाई, समंदर किनारे से आग लेकर आए, घर अनाज लेकर आए, हर बीट को चबाए, रख के दिल पे रजाई, तू बस सुन मेरा भाई, दिल पे रजाई किया मैंने यहाँ सबसे प्यार, मुझसे कोई नहीं करता प्यार, दुनिया बेमा वैसे से आप बनते दोस्त, जलन से सिर्फ मिलता हार, दुनिया बेमा सलामत रहे दोस्त यार, किसी की नहीं मांगे हार, दुनिया बेमा अमर रहे मेरे दो जो पार, मिलके तुमसे अब करनी बात, दुनिया बेमान। ओ चोरनी, ओके आई थिंक दिस इज ऑल्सो पंजाबी में चोरनी बोलते होंगे किसी चीज को, बट मुझे नहीं पता हमारे हिंदी में तो भाई चोर और चोरनी ऐसे टाइप्स होता है कि मतलब चोर मेल मतलब फीमेल को चोरनी बोलते हैं, चोर जो फीमेल होगी तो पता नहीं, शायद मे भी ये वाला सेंस नहीं था एंड कुछ अलग ही सेंस था। एंड कोई डिवाइन की तो भाई मुझे समझ आई चीजें जो भी डिवाइन कह रहा था, बट सिद्धू भाजी वाला मुझे थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया, बिकॉज कि वो बिल्कुल पंजाबी एकदम ठेठ पंजाबी
पंजाबी जिसको कहते हैं ना वो वाली बोलते हैं एंड हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो मुझे वो चीज़ें मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। बाकी भाई जो भी बोला भाई ने लेकिन बहुत कमाल का था यार, क्या मतलब फ्लो देखो भाई, मतलब मैं फ्लो पे जा रही हूँ, मतलब फ्लो इतना कमाल का था, मतलब हर एक लाइन के साथ मतलब म्यूजिक एकदम बैठ रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा म्यूजिक था। म्यूजिक किसने दिया एक बार चेक कर लेते हैं, म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका, काफ़ी ज़्यादा यूनिक बीट एंड काफ़ी ज़्यादा कैची सॉन्ग था ये। एक बार में मतलब सुन के मन नहीं भरने वाला है आपका, दोबारा सुनने का मन करना ही करना है। ट्रैक का नाम है चोरनी, टाइटल आर्टिस्ट है आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला एंड डिवाइन, एंड लिरिसिस्ट सिद्धू मूसेवाला डिवाइन, म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो ड्रग बीट्स का है, मिक्स मैनी का है, नवजोश सिंह का है। तो बहुत सारे लोगों को क्लैपिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे, ड्रग बीट्स मैक्स मैनी एंड नवजोश सिंह जी, बहुत कमाल का काम लगा है आपका, शाउट आउट टू यू गाइस, बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने, कितना कमाल का बीट बनाया है, बीट के साथ मतलब गाना है बिल्कुल एक साथ, ऐसा लग रहा था दैट कि मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा टाइप का सीन लग रहा था। एंड बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बड़े लोग जो भी जितने बड़े रैपर्स होते हैं उनके लिए अलग से बीट प्रोड्यूस कराया जाता है, तो मैंने ऐसा सुना है भाई। बाकी आप लोग बताना कि मतलब बहुत कमाल का बीट लगा है भाई, मुझे तो मज़ा आ गया बीट सुन के। एंड इसके अलावा गाने की बात करूँ तो लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, जैसे कि कुछ लिरिक्स मैंने रिएक्शन के अंदर बताया ही, डिवाइन ने सिद्धू पाजी के लिए भी कुछ लाइनें लिखी थी दैट कि पैसा वैसा तो भाई सब लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, एंड वो सब साथ में नहीं लेके जाने वाले हैं, बट आपने जो कमाया है ना भाई, लोगों का प्यार वो आपके साथ हमेशा रहेगा, एंड जब तक भाई लोग रहेंगे ना, जब तक लोग तो भाई कहीं कभी ना कभी तो रहेंगे ही ना, आप मर जाओगे बट लोग रहेंगे, वो लोग वो पास ऑन करते रहेंगे। एंड सिद्धू पाजी के गाने देख सकते हो अभी भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम तो सुन ही रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी सुनेंगी, एंड उनका नाम कभी नहीं मिटने वाला है। तो काइंड ऑफ उस तरह का भी लाइन्स कुछ थे गाने के अंदर, डिवाइन की लाइन्स में, एंड हमें वो चीज़ समझ में आई, एंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लगी मुझे एक तरह से। एंड डिवाइन ने ये भी मेंशन किया दैट कि भाई पाजी से सीखते हैं हम लोग, पाजी से रैप का नॉलेज हमें मिलता है, तो ऐसे मतलब एक तरह से होता है ना कि भाई अपने सीनियर्स की इज्जत, तो वो इज्जत भी थी गाने के अंदर, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एक। एंड उसके अलावा गाने के अंदर वो फील था, वो बात थी एंड वाइब थी, कितना कमाल का एक ये सॉन्ग निकल के आया है, तो मैं इसकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर गाना। अभी पाजी अभी हमारे बीच नहीं है, एंड सोच सकते हो अगर पाजी हमारे बीच होते तो कितना और कमाल के सॉन्ग्स हमें सुनने को मिल सकते थे। तो ये ठीक है भाई, अभी भी आ रहे गाने हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, एंड इसके लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि एटलीस्ट उनके गाने आ रहे हैं, हमें गाने सुनने को मिल रहे हैं। एंड क्या सुपर हिट सॉन्ग्स बनाया है पाजी ने, पुराने गाने भी बहुत सुपर हिट है एंड नए गाने जो भी आ रहे हैं वो भी बहुत ही सुपर हिट है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये सॉन्ग ज़रूर से कमेंट में बताना, एंड अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही दुआ करेंगे कि सिद्धू पाजी के गाने इसी तरह आते रहें एंड हम उनसे एंटरटेन होते रहें। बाकी इसी दुआ के साथ इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से किसी और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस।